तीन बंदे हैं, बाइक्स दो हैं, तो कुछ शफल करेंगे मेरा ख्याल है। आई थिंक दो बार जाना है एक एक बंदे को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तलहा रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो भाई आज की इस वीडियो में आपका भाई आया है सीबीटी का टेस्ट पास करने। तो मैं घर से निकला हूँ, बारिश लगी हुई थी इसलिए मैंने बिल्कुल शूट नहीं किया और काफ़ी लेट हो गया था। यहाँ पे लाइट अच्छी आ रही है तो अभी यहाँ पे आ चुका हूँ और पहुँच गया यहाँ पे। अभी मेरा सीबीटी स्टार्ट होगा, मुझे अभी तक उसका कुछ आइडिया नहीं है। उन्होंने बोला है कि यहाँ से आप जैकेट ले सकते हैं, सारी जैकेट्स पड़ी हुई हैं और ये हेलमेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि जैकेट आप अपने हिसाब से देख लें। मुझे कुछ ये ठीक सी लगी है, बाकी बहुत ज़्यादा हैवी थी। बाकी अभी यहाँ से हेलमेट लेते हैं और फिर आगे आगे आपको बताते हैं कि कैसा इसका सारा सीन होता है, क्या इसका प्रोसीजर है, कितने पैसे लगते हैं। और सीबीटी होता है आपका बाइक का टेस्ट। अगर आपको बाइक चलानी है तो यहाँ पर आपको सीबीटी पास करना पड़ता है, फिर आप बाइक चला सकते हो यूके के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई आपका भाई रेडी हो गया और आवाज़ आई डोंट नो अच्छी आ रही है या नहीं, लेकिन ये है कि जैसे भी आप गुजारा कर लेना। हेलमेट पहन लिया, ये वाले बाइक्स हैं, ठीक है। और एक वो वाला है, आपके भाई ने 125 का दिया था इसलिए यही वाला होगा मोस्ट प्रोबेबली। अभी आपको आगे आगे बताते हैं साथ में। टेस्ट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ और उसकी रीज़न ये है कि एक भाई और हैं जिनका होना है आज टेस्ट, तो वो अभी तक आए नहीं है। तो इंस्ट्रक्टर कह रहा था कि वो आएगा तो मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, तो बेहतर ये है कि 10-15 मिनट वेट कर लेते हैं और जब वो आए तो फिर एक साथ शुरू करेंगे। तो अभी टेस्ट स्टार्ट होगा तो फिर आपको बताएँगे साथ साथ। लेकिन यार एक और बात आप यहाँ से आपसे करनी है यहाँ पर, वो ये कि लास्ट 3-4 दिनों से, 3-4 डेज कर लो या 4-5 दिन हो गए हैं लास्ट, तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और यूट्यूब पे भी वीडियोस पे भी कमेंट आ रहे हैं, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम बनी हुई है यूट्यूब की और मेरा जो गूगल अकाउंट होता है ना उसकी, तो उसमें मैंने एक छोटा सा ब्लंडर मार दिया था तो सारी ना खिचड़ी पकी हुई है। तो मैं उसको लेके काफ़ी ज़्यादा टेंस था तो बस उस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर सका इंस्टा पर। लेकिन यह है कि होप्स हो कि प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए और मैं चैनल कंटिन्यू कर सकूं और आपकी मज़ीद हेल्प कर सकूं, आपके लिए ऐसी वीडियोस बना सकूं। तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि टेस्ट हमारा स्टार्ट हो जाए। तो ये जो इंस्ट्रक्टर है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी फ्रैंक है, तो होप्स हो के टेस्ट आपके भाई का ईज़िली निकल जाएगा। बाइक तो चलानी आती है, आपको पता है जो पाकिस्तान में बाइक चला के आ जाए ना, पिंडी, राजा बाज़ार, लाहौर तो खैर मैं नहीं गया बाइक चला के, या लाहौर में कोई बाइक नहीं चलाई, लेकिन ये है कि पिंडी में जो बंदा बाइक चला ले ना वो बंदा कहीं भी चला लेता है। तो इंडिया में भी मुझे पता है इसी तरह होती है, रश वगैरह काफ़ी होती है और बाज़ारों में इस जगह पे हम लोग बाइक चलाते रहते हैं। तो यहाँ पर तो आपको पता है बस एक चीज़ है, यहाँ पर सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है और कुछ भी नहीं है। बाकी बाइक चलाना हमारे लिए तो कोई इतना मसला नहीं होता क्योंकि जिन कंट्री से हम आए हुए होते हैं वहाँ पे हमारी अच्छी वाली प्रैक्टिस हो गई होती है। तो फालतू बातें करके मज़ीद आपका दिमाग नहीं खाते, अभी टेस्ट स्टार्ट होगा तो फिर आपको आगे की बात बताते हैं। 3-4 दफ़ा बोल चुका हूँ, बताते हैं लोग भी कहेंगे बता दे भाई अब क्या चाहता है। You only see a small portion in a mirror of what's actually behind you, so we accompany that with shoulder checks which we'll go through with the day. We will take mirrors seriously later on when we finish doing what we got to get done in here. We will then check your mirrors and make sure that your observations are up to scratch before you go out on the road. But right from the beginning this morning, we're going to make sure when you start doing each task and ticking each box that you're doing your shoulder checks along with any other checks to make sure that the safety side of this. And just get those both on the floor. Once you've done it, you put all of your weight back on there
and lift the bike upwards and backwards from here. The weight alone won't move the bike, as you can see. But as soon as you start lifting it here, it'll just go straight on the stand. Okay, so hand on here. Okay, and hand on the rack here. That's it. Put your right foot onto that lever, but not pushing it down hard. Okay, pull him up. Well done, that was great. Put your brake on. Just to show me you've got the bike, really. There you go. And you're also stopping it rolling now, which is great. Okay, hand back on the rack. You did a good job of that. Well done. Push it to the floor. You can see how simple and easy it is. It's because it's knack more than strength. Yep. Well done, that was great. Okay, you the same. That's it, lift him up, sweep the stand away. Then a quick check round him, left and then right. That's it. Always do your left check. यार बिल्कुल ना, मतलब बेसिक पे जा रहे हैं कि रेस क्या है, क्लच क्या है, हॉर्न क्या है और न्यूट्रल कैसे करना है, गियर कैसे डालना है। मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक जा रहे हैं कि मतलब जिसको बिल्कुल बाइक की अलिफ वे ही नहीं पता ना, तो उस हवाले से जा रहे हैं। मतलब क्या बंदा कहे, अब होना चाहिए ना कि अगर आपको प्रीवियसली एक्सपीरियंस है बाइक का, तो खाली जस्ट उनको चेक करना चाहिए कि आप कैपेबल हो चलाने के, तो जस्ट आपकी बाइक का जैसे गाड़ी का वो होता है प्रैक्टिकल रोड टेस्ट जो होता है, तो वो होता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अब क्या करें, करना पड़ेगा इनके साथ साथ ही। तो मैं हूँ और मेरे साथ दो बंदे और हैं और दोनों को कुछ भी नहीं पता बिल्कुल भी। और हम तो भाई, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो, तो क्या करें, अब यही है। आज का दिन सारा ही लगेगा जिस हालात, जो हालात लग रहे हैं ना, जिस तरह से जा रहे हैं, तो लग यही रहा है कि आज का दिन सारा यहीं पे लगेगा। अच्छी बात यह है कि मौसम ठीक है और धूप नहीं है। अगर धूप होती तो गर्मी हो जाती, जो कि मुझे पसंद नहीं है। तो भाई काफ़ी सारी बेसिक ट्रेनिंग के बाद, जो कि यहाँ पे हुई थी इस जगह पे, तो काफ़ी सारी बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद अभी हम जा रहे हैं बाहर रोड पे, ठीक है। और तीन बंदे हैं, बाइक्स दो हैं, तो कुछ शफल करेंगे मेरा ख्याल है। आई थिंक दो बार जाना है एक एक बंदे को। तो अभी रोड टेस्ट है, फिर रोड पर जाएँगे बाइक वगैरह चला के। अभी इंस्ट्रक्टर आके रहेगा, मैंने पीछे रहना है। और बोर हो रहा हूँ यार मैं काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं क्यों। चलें अभी बाहर जाते हैं, आपको तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास माउंट वगैरह नहीं है बाइक पे लगाने के लिए। तो बाइक रेडी है, एक ये होंडा 1300।
ये हमारा 125 जो YBR पाकिस्तान में होता है, और ये दूसरे इंस्ट्रक्टर का है। ये भी आई थिंक 1000 cc ये बता रहा था कुछ ऐसे ही। अभी जाते हैं रोड ट्रिप पे, वापस आके आपसे मिलते हैं, बताएंगे आपको कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो भाई पहली जो रोड राइड थी वो कंप्लीट हो गई है और अच्छी थी, बिल्कुल स्मूथ थी, ठीक है। बाइक का आपके भाई को बड़ा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का, ठीक है, और इसलिए यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। बस खाली यहाँ पे ये है कि रूल्स को फॉलो करो, बाकी बाइक चलाना यहाँ पे बहुत आसान है। और पहली जो रोड राइड थी वो कंप्लीट हो गई है, और तीन बंदे थे जिसमें से एक की दो कंप्लीट हो गई है और उसको CBT मिल गया। और अभी मेरा जो दूसरा है वो क्या कहते हैं, दूसरी जो है रोड राइड जो भी है वो अभी जाना है, दोबारा एक चक्कर लगा के आना है, और फिर उसके बाद हमारा भी CBT हो जाएगा इंशाल्लाह। तो पहली बारी जो रोड राइड थी ना वो कंट्री साइड लेके गए थे, ठीक है। पहली दफ़ा यहाँ पे आके UK में खेत देखे हैं कि वाकई यहाँ पे भी खेत हैं और लोग जो है वो चीज़ें उगाते हैं, और बड़ी प्यारी सी जगह थी, पुराने पुराने घर और साफ़ सुथरी जगह, साफ़ सुथरे इलाके, और सब्ज़ा ग्रीनरी सारा, क्योंकि मुझे ना नेचर बड़ी पसंद है, तो बड़ी प्यारी, मुझे तो बड़ी प्यारी लगी है जगह। तो भाई जान सारा दिन सवारी करने के बाद आखिरकार हमारा जो दिन है वो ख़त्म हुआ, अहतमाम पे पहुंचा है और ख़त्म हुआ सारा ट्रेनिंग, दूसरा रोड भी कंप्लीट हो गया, और अब भी मिलेगा CBT, जान छुट जाएगी सारे रोले से। एक दिन की ख्वारी है लेकिन अच्छा है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं और इजी है यार, कर लो तो अच्छी बात है। अगर आपने डिलीवरी वगैरह की जॉब करनी है तो ठीक है, अगर नहीं करनी तो कहीं और कर रहे हो तो फिर तो आपको इसकी ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं, अभी मेरा पास हो गया, अभी फिर अप्लाई करना है, तो उसके बाद का सीन देखेंगे, वो आपको बता देंगे कि क्या होता है। अभी जल्दी से अपना सर्टिफिकेट बनवाएं और घर भागें। यार पता है क्या, आ रहे हो ना, वेदर देख के आना, अगर वेदर ख़राब है, बारिश वगैरह वाला सीन है, तो जैकेट वगैरह तो ये देते हैं सारा कुछ, पैंट जो है ना वो फिर कोशिश करना कि या मोटी पहन के आना या वाटरप्रूफ पहन के आना अगर बारिश का मौसम है, ठीक है, क्योंकि मुझे आज बड़ी ठंड लग रही है। और एक और चीज़ ये कि अगर आ रहे हो ना तो अपने साथ जो है ना वो लंच लाजमी ले के आना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिलता कुछ भी नहीं है, आसपास शॉप भी कुछ नहीं है, और इधर एक जो है ना इनका इस तरह का एक कंटेनर वगैरह का होता है जहाँ पे भी आप टेस्ट लोगे, यूजली इसी तरह होता है। तो अपना लंच लाजमी ले के आना, क्योंकि भाई को बड़ी जोर की भूख लगी और यहाँ से मिल भी कुछ नहीं रहा, तो अभी बस जल्दी से घर पर आगे जा के कुछ खाएँ और अपना CBT लें यहाँ से बस जल्दी से। Just annoying to put the bike away with more than anything. I've got a garage or so everything I do, they go away soaked. And the cover could be soaked from the day before, so it's wet anyway. Finally got my CBT और ले लिया अभी यहाँ से। बारिश लग गई है बाहर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये बैड लक हो गई है, लेकिन अभी घर तो जाना है, घर जाके खाना खाएंगे क्योंकि बड़े ज़ोर की भूख लगी हुई है। और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ तला साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।